So first of all, good evening everyone, and welcome to the first edition of 2022 of an interactive session. Today we have with us MD CEO of Kotak AMC, Nilesh Bhai, and very known personality with us. So sir, on behalf of the entire Nirmal Bang family, first I would like to welcome you in our interactive session, and thank you so much for spending time, and you would be sharing your insightful thought. So sir, hope I'm audible. Yes. Yeah, great. So sir, let's quickly start on if I talk about 2021, right? 2021 sir, हमने बहुत सारे अच्छे IPOs देखे. We have seen so many NFOs are coming and performing in the market. Right. If I talk about mutual fund AUM from Jan 2021 to December 2021, from 30 lakh crore journey to 37 lakh crore of journey. So, at a nutshell, हम clearly बोल सकते हैं कि 2021 जो है वो equity market के लिए ही था. Right. And people who have stayed with us, stayed with equity, have enjoyed the momentum. That is for sure. So, sir, what would be your take on 2022? Right, where it's in the start itself, there is a little bit of threat of the new variant, and still it clearly visible that Nifty has taken the booster, and it's it's performing. So my simple question to you in 2022, will market regain its mojo? So Saurabh bhai, agar pichle 6 saal se aap dekho, to har calendar year mein निफ्टी ने या सेंसेक्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है. तो पहला सवाल यही उठता है कि कभी ना कभी तो लॉ ऑफ एवरेज कैचअप करेगा. मोहम्मद अजहरुद्दीन भी 3 सेंचुरी के बाद 4थी बार तो सेंचुरी नहीं मार पाया था. यहाँ पे तो हम 6 बार पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं. उसके बावजूद मुझे लगता है कि कैलेंडर ईयर 2022 में मार्केट पॉजिटिव रिटर्न देगा. ऑब्वियसली रिटर्न मॉडरेट हो जाएगा, कम हो जाएगा, बट बाकी एसेट क्लास के सामने इक्विटी मार्केट फिर भी पॉजिटिव रिटर्न देगा. नाउ ये मैं किस वजह पे कह रहा हूं, तो आज की एक जो कार्डिनल प्रिंसिपल है मार्केट का, कि आपने जो संभावनाएं डिस्काउंट की है, जो इवेंट डिस्काउंट की है, उससे अच्छी घटनाएं घटे तो मार्केट ऊपर जाता है, और अगर उससे खराब घटना घटे तो मार्केट नीचे आता है. कई बार हम देखते हैं कि कंपनी ने बहुत बड़ा लॉस डिक्लेयर किया बट भाव ऊपर जाता है, बिकॉज जितनी लोगों का अंदाजा था उससे कम लॉस डिक्लेयर हुआ. बड़ा है बट अंदाज से कम हुआ तो भाव ऊपर गया. कई बार कंपनी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है बट भाव नीचे आता है, बिकॉज रिजल्ट के पहले ही लोगों ने अनुमान में उसको भगा दिया था. जब एक्चुअल रिजल्ट आया, अंदाज से कम निकला, बहुत अच्छा था, पॉजिटिव था, ज्यादा ग्रोथ हुआ, बट अंदाज से कम निकला तो भाव नीचे आता है. तो इस वक्त मार्केट ने कुछ घटनाओं को डिस्काउंट करके रखा है. जैसे पहली डिस्काउंटिंग है कि ये ओमिक्रॉन के केसेस बहुत बढ़ेंगे, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ रेट में हमने जो अप्रैल मई 2021 में देखा था वैसा कुछ नहीं होगा. दूसरी चीज, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी पे थोड़ी इंपैक्ट होगी बट बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगी. अब ओमिक्रॉन एक नेचुरल वैक्सीन बन जाए जिसकी वजह से हमें COVID-19 का भय छूट जाता है और लोग एक नॉर्मल लाइफ बसर करना चालू करते हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट आगे चलता रहेगा. बट अगर COVID-19 ये ओमिक्रॉन की वजह से हमें लॉकडाउन लाना पड़े जो आज डिस्काउंटेड नहीं है, तो ऑब्वियसली मार्केट गिरेगा. दूसरा, हमने एक कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर अंदाजा बनाया है. इस साल की निफ्टी EPS 750 रुपए के आसपास आनी चाहिए, मतलब 9 महीने तो खत्म हो चुके, अब जो बचा है वो 3 महीना है, और अगले साल की निफ्टी EPS 850 रुपए से 875 रुपए आनी चाहिए. अब दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसमें अगर लोगों को लगता है कि 750 और 850 से 875
अर्निंग पर शेयर निफ्टी की आ जाएगी तो मार्केट चलता रहेगा। अगर लगता है कि नहीं हमारी ट्रेजेक्टरी 750 की जगह पे 725 है और अगले साल 850, 875 से 825, 850 है तो मार्केट नीचे आएगा थोड़ा। तीसरी चीज बजट है 1 फरवरी को। पिछले साल बजट ने COVID-19 इकोनॉमी के ऊपर एक हीलिंग टच दिया था, अब उस वजह से उम्मीद इस बार बढ़ी है। अब इस बजट में अगर कैपिटल गेन टैक्स सपोज वो बढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं करेंगे ऐसा मुझे लगता है, बट अगर अनुमान करिए बढ़ जाता है तो आज वो मार्केट ने डिस्काउंट नहीं किया है तो बजट के बाद मार्केट गिर सकता है, बट अगर बजट पिछले बजट की तरह अच्छा आया तो मार्केट आगे चल सकता है। तो ये सारी संभावनाओं को मद्देनजर रखते मुझे ये अभी भी लगता है कि 6 साल के बाद, 6 साल पॉजिटिव रिटर्न देने के बाद 7वें साल भी मार्केट पॉजिटिव रिटर्न देगा। अब ये बजट एक ऐसी चीज हो जाती है, एक चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि आपके मार्केट में दो प्रकार के लोग हैं। एक सो जो डेफिनेटली जो बजट को एनालाइज करते हैं, समझते हैं और सारे चीजों को फैक्टर इन करते हैं, एंड एक आम जनता है जिसको सिर्फ वही लगता है कि बजट तभी अच्छा होता है जब आपका आपके टैक्स में कोई लीवे दिया जाएगा आपको, या एक वो जो मिडिल क्लास वाला जो सेगमेंट है बहुत बड़ा, राइट, उसको किसी तरह की कोई छूट दी जाएगी। सो आपको ऐसी कोई उम्मीद है कि वो जो एक क्लास है वो इस बार खुश होगा कि सौरभ भाई अगर सपोज सरकार इनकम टैक्स बंद कर दे, चलो किसी को टैक्स नहीं भरने का, तो बहुत लोग खुश हो जाएंगे, बट उसके बाद क्या सरकार रहेगी? हम मिलिट्री को पैसा नहीं दे पाएंगे बिकॉज टैक्स नहीं है, कलेक्शन नहीं है, सैलरी कहाँ से देंगे? पुलिस नहीं रहेगी, घर में पानी नहीं आएगा, रास्ते से कचरा नहीं उठेगा, फिर वही लोग अपने आप को कोसेंगे कि हमने क्या पाया। सो हमें ऐसे बजट की जरूरत है जो ओवरऑल इकोनॉमी को ग्रो करे। मेरी थाली में कितना आया उससे अच्छा अगर मैं केक ही बड़ा कर दूं तो बड़े केक का छोटा हिस्सा छोटे केक के बड़े हिस्से से भी बड़ा हो सकता है। हमने आजादी के बाद हमेशा फोकस यही किया कि एक जो छोटी सी केक है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे। अब हमारी फोकस ये है कि हम केक को बड़ा कर दे, भले कोई बड़ा पीस ले जाए कोई छोटा पीस ले जाए, बट बड़े से केक का छोटा सा हिस्सा भी छोटे से केक के बड़े हिस्से से बड़ा हो तो अपना काम हो गया ना। उसके लिए हर किसी को बर्डन उठाना पड़ेगा। अभी आज जैसे इंडिया साउथ अफ्रीका की मैच है, अब अपने बैट्समैन अगर ये सोचे कि यार हम क्यों बैटिंग करें धूप में जाके, बॉलर है वो विकेट ले लेंगे, हमारा काम क्या है? अगर फील्डर ये सोचे कि यार मैं क्यों छलांग मार के कैच पकड़ूं, वो बॉलर का काम है कि विकेट ले ले, मैं थोड़ी यार कैच पकड़ता हूं। और बॉलर ये सोचे कि यार बैट्समैन एंड फील्डर दौड़ेंगे, हमें क्यों विकेट लेनी चाहिए, बैट्समैन इतने रन बनाएंगे कि विकेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आपको लगता है वो मैच हम जीत पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम वो मैच तभी जीत पाएंगे जब बैट्समैन अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल के हिसाब से डिलीवर करे, बॉलर अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल के हिसाब से डिलीवर करे और फील्डर जान लगा दे एक रन बचाने के लिए, एक विकेट कैच लेने के लिए, तब जाके टीम जीतती है। तो जो चीज आप इंडियन क्रिकेट टीम से ये श्रृंखला में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही चीज सरकार आपसे बजट के लिए एक्सपेक्ट कर रही है कि आप आपकी हिसाब से जो फेयर टैक्स होता है वो भरिए। इनफैक्ट भारत में सौरभ भाई उल्टा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी गांधी जी को फॉलो कर रहे हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। गांधी जी ने 1942 में बोला था नॉन कोऑपरेशन, हमारे लोग तो आज भी उसे फॉलो कर रहे हैं कि हम अगर टैक्स भरेंगे तो इंग्लैंड चला जाएगा, तो वो टैक्स ही नहीं भरते हैं। उनको पता ही नहीं है कि 1947 में भारत आजाद हो गया और अब भारत लोगों की सरकार है, आपका पैसा इंग्लैंड नहीं जाता, भारत में ही रहता है। उन्हें कोई शर्म नहीं है अपना रोड यूज करने में या वैक्सीन लेने में, बट जब टैक्स भरना आता है तो जान निकल जाती है। तो हमें
जो इंडियन क्रिकेट टीम कर रही है वैसे करना है, मेरी जितनी क्षमता है, मेरी जितनी फेयरनेस है, उस हिसाब से मैं टैक्स भरूंगा एंड उसी हिसाब से सरकार ग्रो कर पाएगी। सही बात है। सर थोड़ा सा बाजार की तरफ अगर मैं वापस आता हूँ, अगेन अगर मैं फंडामेंटली देखूं, मार्केट कैप टू जीडीपी बड़ा ही बेहतरीन लगता है, अट्रैक्टिव लग रहा है, बट लेकिन लोगों को अभी भी थोड़ा सा डर है, भय है ये जो नया वेरिएंट है, बिकॉज स्टिल पीपल आर अनसर्टेन। अभी अगेन हमने जो अफवाहें चल रही है कि देयर माइट बी प्रोबेबिलिटी मोर रेस्ट्रिक्शंस वुड बी इम्प्लीमेंटेड, सैटरडे संडे इज लॉकडाउन, राइट? सो क्या हमारे इन्वेस्टरों को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए इस समय, या जो हमने पिछले साल देखा था कि बिकॉज ऑफ दिस न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड व्हाट जो बाजार में इंपैक्ट आया था, वैसे कुछ होने की संभावना है? सौरभ भाई, हमारे हाथ में भविष्य नहीं है। मुझे आज तक ऐसा आदमी नहीं मिला है जो मुझे एग्जैक्टली बता सके भविष्य में क्या होने वाला है। ऐसे बहुत लोग मिले जो पिछली घटना का एकदम सही आकलन करके मुझे बता देते हैं, एनालिसिस बता देते हैं, बट भविष्य में क्या होने वाला है वो किसी को नहीं पता। अब लेट्स अज्यूम करिए कि आपके पास 100 रुपया है, अपने इक्विटी में लगा दिया। अब मर्फीज लॉ है, जैसा आपने लगाया, कल ओमिक्रॉन की वजह से कुछ खराब हुआ और लॉकडाउन हो गया, मार्केट गिर गई। नाउ व्हाट विल यू डू? अब इस चीज के लिए एक असेट एलोकेशन प्रथा बनती है कि भाई अब 100 रुपया पूरा इक्विटी में मत लगाइए, पहले सोचिए आप किस चीज के लिए निवेश कर रहे हैं। अगर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट हो तो इक्विटी आपके लिए सही नहीं है, लॉन्ग टर्म है तो डालिए। दूसरा, एक एलोकेशन बनाइए आपके रिस्क प्रोफाइल के अनुसार। क्रिकेट में बल्लेबाज हमेशा फ्रंट फुट पे खेलता है? बिल्कुल नहीं। जब बॉल ऐसी आती है तो बैक फुट पे जाके खेलता है। इक्विटी में भी फ्रंट फुट और बैक फुट दोनों यूज करना पड़ेगा। मार्च 2020, अप्रैल 2020, मई 2020, अक्टूबर 2020, जहां पे आपको फ्रंट फुट पे खेलना था, आपकी जरूरत से ज्यादा आप इक्विटी में निवेश कर सकते थे बिकॉज मार्केट सस्ता था। बट अक्टूबर 2021, मई, नवंबर 2021, दिसंबर 2021, जनवरी 2022, आपको बैकफुट पे खेलना है बिकॉज मार्केट फेयरली प्राइस्ड है। सो आप एक नॉर्मल एलोकेशन बना के निवेश करिए। 100 का 100 रुपया पूरा इक्विटी में लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक एवरेज इन्वेस्टर है तो 40-50% लगाइए। अगर आप बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो 60-70-80% लगाइए। और अगर मार्केट गिर के सस्ता हो जाता है बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन और अदर थिंग, तब आप बाकी एसेट क्लास में से पैसा घुमा के डेट में वापस लेके आए, बाकी असेट क्लास से निकाल के इक्विटी में वापस डाल दीजिए। अगर मार्केट बहुत चल जाता है तो थोड़ा पैसा निकाल के डेट में डाल दीजिए। यह जो असेट एलोकेशन आप कर पाएंगे, उससे आप मार्केट की वॉलेटिलिटी को आपका मित्र बना लेंगे, आपका दुश्मन नहीं रहेगा। तो सर, अगर हम असेट एलोकेशन की बात करें, तो हमने ये भी देखा है कि एक समय पे लार्ज कैप वाज सपोज टू बी द कोर थीम ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, एंड उसके आसपास हम मिड कैप, स्मॉल कैप्स, कुछ थीमेटिक फंड, हम इस तरीके से पोर्टफोलियो बनाते थे, राइट? क्योंकि आई कंप्लीटली अग्री कि असेट एलोकेशन इज एक्चुअली अ साइंस, राइट? आज की तारीख में जहां पे आपके पास आपका बास्केट इतना बड़ा हो चुका है, क्योंकि वहां पे आपके बिटकॉइंस भी आ गए हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड एक नई कैटेगरी बहुत उभरते हुए आई है, हमने जो पिछले साल देखा है, राइट? लोगों का जो इन एक्सपेक्टेशंस है रिटर्न्स का, वो काफी आगे बढ़ चुका है, राइट? आज की तारीख में कोई इन्वेस्टर को अगर हम समझाएं कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा रखिए, लंबे समय तक आपको 12-15% का एक एवरेज रिटर्न्स मिल सकता है, सो उसका सीधा सवाल आता है 12-15% में आजकल क्या होगा? सो वो एक्सपेक्टेशन है, वो काफी बढ़ चुकी है, राइट? सो ऐसे में ये बैलेंस एडवांटेज फंड, इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस, इन सबको किस तरीके से मैनेज करके हमें आगे बढ़ना चाहिए? सो वो निवेशकों को बोलना चाहिए कि तू अपने आप को सचिन तेंदुलकर मानता है क्रिकेट के बराबर इन्वेस्टमेंट्स में। अब आप सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली या रोहित शर्मा किसी को भी देख लीजिए, इनफैक्ट आज राहुल द्राविड जी का बर्थडे, उनको ही देख लीजिए।
इनमें कैपेबिलिटी थी, क्षमता, टैलेंट दिख ही रहा था लोगों को. सेकंड, इनमें कमिटमेंट था. तेंदुलकर, द्रविड़, विराट कोहली, रोहित शर्मा कितनी कसरत करते अपने आप को फिट बनाने के लिए. और टैलेंट, कैपेबिलिटीज एंड कमिटमेंट का मिश्रण होने के बावजूद राहुल द्रविड़ ने दुनिया में, भारत में नहीं पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा गेंदे खेले, कुछ 45,000 गेंदे, और सबसे ज्यादा मिनट क्रीज के ऊपर खड़े रहे. जनरली एक बॉल की एक मिनट के आसपास होती है, तो उन्होंने तकरीबन 35-40,000 मिनट खड़े रहे पिच के ऊपर, और फिर 36 सेंचुरी मारी, 13,000 रन किए. अब राहुल द्रविड़ अगर इतने कैपेबल और कमिटेड थे तो उनको तो हर बॉल पे छक्का मारना चाहिए. उन्होंने क्यों इतनी सारी गेंदे वेस्ट की, इतना सारा टाइम वेस्ट किया? बिकॉज राहुल द्रविड़ को मालूम था कि अगर मैं हर बॉल पे चौका छक्का मारने जाऊंगा तो मेरे रन ही नहीं बनेंगे, विकेट ही नहीं रहेगी, और मेरी करियर खत्म हो जाएगी. अब जो बंदा ये क्वेश्चन करता है 12-15% से क्या होगा, तो उसको ये बोलना पड़ेगा कि भैया तू तो राहुल द्रविड़ से भी बहुत ऊपर होगा, बिकॉज तुझे तो हर बॉल पे चौके छक्के मारने हैं. तो इफ यू थिंक यू आर बेटर देन द्रविड़, तेंदुलकर, कोहली, शर्मा, श्योर, प्लीज गो अहेड एंड प्ले. नहीं है तो अपनी औकात में रहे, जमीन पे आ जा भैया. आसमान में जो फुग्गे ऊपर जाते हैं वो फिर फूट जाते हैं. स्टॉक मार्केट में जब मैं 1990 में ज्वाइन हो रहा था, तो हम लोग बीएससी के टावर में जाते थे, उसके रिंग में जाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स थे. तो एक अंकल होते थे डगलाधारी, जिसको हम बोलते थे बुजुर्ग, वो कहता था कि देख बेटा ये जो स्टेप्स है, पगथिया है, ये पगथिया नहीं है, ये पालिया है. आप जानते हो सौरभ भाई पालिया किसे कहते हैं? हमारे नहीं, हमारे गुजरात में जब आदमी मर जाता था तो उसका पालिया बनाते थे. अच्छा. किसी ने कुछ अच्छा काम किया तो उसका वो एक टूमस्टोन जैसा बोल सकते हैं आप. ऐसे यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इतने सारे लोगों ने लॉस किया है, ये इनके सब पालिया, उसके ऊपर तो चढ़ के जा रहा है. कभी भी अपने आप को मार्केट से बड़ा मत समझना. सी, लोभ की कोई थोप नहीं होती. जब मार्केट चलता है तो हर किसी में अभिमान आ जाता है. बट सौरभ भाई आपने देखा है, अभिमान तो राजा रावण का नहीं टिका था. हम कौन सी खेत की मूली है? 12-15% रिटर्न तो बहुत अच्छी चीज है. आज महंगाई 6% है, अगर आपको 12% रिटर्न मिलता है, दैट इज रियल 6% रिटर्न. दुनिया में कहां ऐसा रिटर्न मिलता है? एंड 100 में से एक आदमी शायद 20-30-40% रिटर्न बना पाएगा. 99 लोग तो 12% रिटर्न कभी नहीं बना पाएंगे. एंड द बेस्ट पार्ट है कि जो आपको बोल रहा है उसको बोलना कि तूने पिछले 5-10-15-20 सालों में क्या उखाड़ लिया वो बता दे. उसका रिटर्न 6% भी नहीं होगा पिछले 5-10-15-20 सालों का. तो मेरे हिसाब से मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, आप एक कंपाउंडिंग स्टोरी पे ध्यान दीजिए. पिच पे रहेंगे तो हाफ वॉली मिलेगी जिसे आप चौका छक्का मार पाएंगे, विकेट रहेगी तो खेलने को मिलेगा. ये चौके छक्के में विकेट उठ जाएगी तो खेलेंगे क्या? सो प्लीज फोकस ऑन कंपाउंडिंग रादर देन गेटिंग दिस बिग रिटर्न्स. तकदीर में है, मिल जाएगा, बट वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा. तो नीलेश भाई, अगर आज कोई एक नया इन्वेस्टर पैसा लगाता है, राइट, तो वो अगर जैसे मैं पिछले कुछ सालों में देखूं, सो जैसे कि कंजम्पशन यू नो वाज द रियल कैजुअलिटी जब लॉकडाउन हुआ था, राइट. अब वहां उसके बाद वहां पे काफी एक अच्छा वैल्यू हमने देखने मिला कंजम्पशन एज अ सेक्टर में, काफी रैली भी देखी. अब अगर 2022 में सपोज अगर कुछ लॉकडाउन या रेस्ट्रिक्शंस आते हैं, राइट, और डेफिनेटली वो मार्केट फैक्टर इन करता है, तो उस समय पे क्या हमें कंजम्पशन पे फिर से प्ले करना चाहिए या हमें कॉन्ट्राबैट लेना चाहिए, या किस तरीके से इस सेक्टर से हम वैल्यू ढूंढ सकते हैं? सौरभ भाई, कंजम्पशन में इस वक्त थोड़ी वीकनेस है. अगर हम प्री पेंडेमिक लेवल्स को देखें तो कंजम्पशन अभी भी नीचे है, वो वापस रिबाउंड नहीं हुआ. इस पेंडेमिक ने बहुत सारे लोगों की सैलरी या जॉब्स
यू नो क्षति पहुंचाई है। आज ही मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा था, वहां पे एक रेस्टोरेंट मैनेजर मिस्टर त्रिपाठी की कहानी है। वो अच्छा कमाते थे, रेस्टोरेंट में मैनेजर थे, रेस्टोरेंट बंद हो गई, जोमेटो की डिलीवरी करने लगे, जैसे तैसे करके घर चला रहे थे, और यू नो बदकिस्मती देखिए, वो बाइक चला रहे थे, एक बेवड़े ने उनको ठोकर मार दी और वहीं पे उनकी अकाल मृत्यु हो गई। ऐसे बहुत सारे फैमिलीज है जहां पे कंजम्पशन आज भी प्री पेंडेमिक लेवल से कम है, बिकॉज उनकी जो कमाई करने वाले लोग थे उनकी कमाई कम है। तो इस साल कंजम्पशन से ज्यादा मुझे लगता है कि आपको बाकी सेक्टर्स में ध्यान देना पड़ेगा। मे बी 6-7 महीनों में थिंग्स नॉर्मलाइज हो जाएगी तो कंजम्पशन वापस रिबाउंड मार देगा। मे बी इस बजट में कंजम्पशन को सहारा देने के लिए सरकार कुछ नए कदम उठाएगी। तो जब तक ऐसी कोई चीज नहीं होती तब तक कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक में थोड़ा कम निवेश करे तो वो अच्छा रहेगा। हमें लगता है कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, टेक्नोलॉजी, फार्मा, बैंकिंग, ये सेक्टर्स कंजम्पशन को आउट परफॉर्म करेंगे। ओके ओके नीलेश भाई, अगर मैं फाइनेंशियल्स की भी बात करूं, राइट, डेफिनेटली यू नो लो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, लो इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीजें फाइनेंशियल्स को बहुत सपोर्ट कर रही है। एंड आज की तारीख में अगर मैं म्यूचुअल फंड्स के कोई भी पोर्टफोलियो देख लूं, मे बी बिकॉज ऑफ बेंचमार्क की वजह से आप बोल सकते हो हम काफी ओवरवेट है वहां पे, राइट? सो आपको क्या लगता है कि ये ओवरवेट विल कंटिन्यू इन 2022? सौरभ भाई, आपने एकदम सही बात की। पोर्टफोलियो देखे तो लगता है कि ये बैंकिंग फाइनेंस की तरफ टिल्टेड है, बट अगर आप बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर करें तो इंडेक्स के तकरीबन 33-34% BFSI के सामने हमारा वेटेज 32-33% ही होगा, 35-36% नहीं होगा। तो हम लोग मोटा मोटा बेंचमार्क के आसपास या थोड़ा कम, बहुत ज्यादा कम नहीं, थोड़ा कम वेट रख रहे हैं। बट बिटवीन बेंचमार्क्स देयर इज अ वाइड डिफरेंस। बेंचमार्क में PSU बैंक्स है, हमारे वहां पे गिने चुने PSU बैंक्स है, वहां पे मेजर अंडर वेट है। बेंचमार्क में प्राइवेट बैंक्स है, वहां पे हम बड़े ओवर वेट है। सो हमारा कॉल है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स को आउट परफॉर्म करेगी। ऐसा क्यों लगता है? आपने वो एक व्हाट्सएप पे जोक सुना होगा, एक बंदा प्राइवेट बैंक में जाता है, फिर गन निकाल के बोलता है, देखो मैं तो अपने पैसे में कैश डिपॉजिट करने आया हूँ, मुझे कोई म्यूचुअल फंड, कोई इंश्योरेंस, कोई डीमैट अकाउंट, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। ये जोक हमने कई बार सुना है। ये दिखाता है कि प्राइवेट बैंक अपने कस्टमर को सिर्फ बैंकिंग सुविधा दे के शांत नहीं रहता, उन्हें संतोष नहीं मिलता, वो उस कस्टमर को और भी अलग 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 प्रोडक्ट्स देते रहते हैं। विश्व में हमने ये देखा है कि अगर एक कस्टमर के पास बैंकिंग अकाउंट है तो वो घूम सकता है, निकल सकता है, बट एक बार उसे आपने डीमैट अकाउंट, ब्रोकिंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, हाउसिंग लोन, कार लोन, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी लगा दी तो वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, वो आपके बैंक के साथ बंधा रह जाएगा। अभी आप PSU बैंक में चले जाइए, बहुत मुश्किल से यू नो आपको बैंकिंग सुविधा मिलती है, बाकी प्रोडक्ट की तो कोई बात ही नहीं करता। इन दिनों में एक PSU बैंक में गया था, मुझे एक चेकबुक चाहिए थी, मुझे 6 महीने लगे चेकबुक लाने में। प्राइवेट सेक्टर बैंक में मैं SMS करता, 2-3 दिन में कुरियर से चेकबुक आ जाती है, यहाँ पे तो मेरे को खुद जाके यू नो चप्पल घिसने पड़े तब जाके मिला। तो ये जो कस्टमर ओनरशिप है वो प्राइवेट बैंक्स में बहुत अच्छी है, PSU बैंक्स में उतनी अच्छी नहीं है, और उस वजह से हमें लगता है कि प्राइवेट बैंक्स PSU बैंक्स को इस साल आउट परफॉर्म करेगी। ओके ओके तो नीलेश भाई, मीनवाइल यू नो हमारे बीच कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। देयर इज वन क्वेश्चन आई थिंक फ्रॉम हैदराबाद, इज दैट डज AUM ऑफ अ फ्लैगशिप फंड्स अफेक्ट द परफॉर्मेंस? कॉमन नोशन अमंगस्ट क्लाइंट दैट बिग AUM फंड्स आर नॉट गुड, सो व्हाट्स योर डेफिनेटली
सी जब आपका फंड छोटा है तो आप उसे स्पीड बोट की तरह चला सकते हैं, जब आपका फंड बड़ा हो जाए तो आप उसे ऑयल टैंकर की तरह चलाएंगे। स्पीड बोट में आप शार्प यू टर्न ले सकते हैं, ऑयल टैंकर में यू टर्न लेना है तो 2 किलोमीटर आगे जाके टर्न मारना पड़ता है। बट फिर समंदर में जब तूफान आता है तो स्पीड बोट वैसे उलट सकती है, ऑयल टैंकर उस यू नो तूफान में खड़ा रह सकता है। सो साइज से निम्बलनेस या फ्लेक्सिबिलिटी पे जरूर इम्पैक्ट आता है, बट साइज से आपकी फिलॉसफी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। अब हमें देखिए, हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का सबसे बड़ा इक्विटी फंड मैनेज करते हैं कोटक स्टैंडर्ड फ्लेक्सी कैप करके। इस फंड का लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, रोलिंग रिटर्न में देखे तो उसने 4 out of 5 और 4.5 out of 5 निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। अब इतनी बड़ी साइज पे मैं इस फंड को अपनी जो एक प्रोसेस है उसी से मैनेज करता हूं, तो उसमें 75% लार्ज कैप रहते हैं और 25% के आसपास स्मॉल एंड मिड कैप रहते हैं। ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मैं 100% लार्ज कैप जा सकता हूँ, 100% स्मॉल एंड मिड कैप जा सकता हूँ। अब मेरे जो स्मॉल एंड मिड कैप फंड है उन्होंने मार्च 2020 से 100-125% रिटर्न दिए हैं, बट मैं अपने स्टैंडर्ड फ्लेक्सी कैप में 75% लार्ज कैप ही रख के चला, मैं उसको 100% स्मॉल एंड मिड कैप नहीं कर पाया। बिकॉज जब आप 35-40 हजार करोड़ के फंड में ऐसा तब्दीली लेना चाहेंगे तो आप अपने इन्वेस्टर के लिए पैसा नहीं बनाएंगे, आप ब्रोकर के लिए या मार्केट में पैसा बनाएंगे, मार्केट के लिए पैसा बनाएंगे। तो जब आप निवेश करें तब आप देख लीजिए कि कोटक स्टैंडर्ड फ्लेक्सी कैप एक लार्ज कैप बायस्ड फंड है, इवन दो नाम फ्लेक्सी कैप है, उसकी साइज की कंस्ट्रेंट की वजह से वो 75% लार्ज कैप और 25% स्मॉल एंड मिड कैप रखेगा। यह समय जहां पे स्मॉल एंड मिड कैप ने लार्ज कैप से दुगना रिटर्न दिया है, ऑब्वियसली इस फंड का परफॉर्मेंस दूसरे फंड के सामने कम दिखेगा, बट ऐसा भी पीरियड आ सकता है जहां पे लार्ज कैप अच्छा करेंगे स्मॉल एंड मिड कैप नहीं करेंगे, तब ये फंड का परफॉर्मेंस अच्छा दिखेगा। सो साइज से आपके ऊपर एक कंस्ट्रेंट आता है। विराट कोहली T20 खेले तो एक तरीके से खेलता है, वनडे खेले तो दूसरी तरीके से खेलता है, और टेस्ट मैच खेले तो तीसरे तरीके से खेलता है। नहीं एक मिनट है सॉरी सौरभ भाई, वर्क फ्रॉम होम। सो नीलेश भाई, हमने ये भी देखा था कि अब तक मार्केट में वैल्यू इन्वेस्टिंग काफी छाई रही और काफी सक्सेस मिला हमें वहां पे। अब ये जो नई परिस्थिति है, न्यू नॉर्मल यू कैन से, और द न्यू द वे द मार्केट इज बिहेविंग, so do you really think that the classic old therapy will continue and is a good strategy, or aur bazaar mein kuch nayi strategy ya kuch naya cheez place kiya gaya hai AMCs dwara in terms of managing the fund? So Saurabh bhai, ye value philosophy, growth philosophy, growth at reasonable price philosophy, ये सब एक प्रकार की मार्केटिंग टर्म्स है। जब आप वैल्यू स्टॉक में निवेश करें तो उसका मीनिंग है कि हम 100 रुपए की चीज 20 रुपए में खरीदना पसंद करेंगे, बट क्या हमेशा 100 रुपए की चीज आपको 20 रुपए में मिलेगी? आंसर इज नो। सेकंड चीज, अगर 100 रुपए की चीज 20 रुपए में बिक रही है तो उसके पीछे कुछ कारण होगा। सो वैल्यू इन्वेस्टिंग फिलोसफी को सक्सेसफुल होने के लिए भी आपको वैल्यू अनलॉकिंग देखना पड़ेगा। अब जैसे बंबई में एक फर्टिलाइजर कंपनी का प्लांट है, अगर आप साइन से निकलते हैं तो आप उसे देख सकते हैं। अब उस कंपनी की रियल एस्टेट वैल्यू, अगर वहां पे फर्टिलाइजर प्लांट नहीं हो और उसको आप रेसिडेंशियल एरिया में डेवलप करें, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी रियल एस्टेट वैल्यू क्या होगी।
वो आज उस कंपनी के मार्केट कैप से बहुत ज्यादा होगी. सो इन दैट सेंस दिस इज टेक्निकली अ वैल्यू कंपनी. बट आप अगर उसे लेके बैठे रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है. आपको उसे तब लेना है जब आपको पता है कि ये फर्टिलाइजर प्लांट बंद हो जाएगा, कहीं और शिफ्ट हो जाएगा और उसकी लैंड डेवलप होके रियल एस्टेट बन के बिक जाएगी और इस तरह से पैसा बनेगा. सो वैल्यू एंड वैल्यू अनलॉकिंग ये दो अलग अलग चीज है. सिमिलरली ग्रोथ में हम कहते हैं कि हम 100 रुपए की चीज के लिए 150 रुपए देने को भी तैयार है बिकॉज हमें मालूम है कि वो 100 रुपए की चीज 1000 रुपए हो जाएगी. तो आप 100 का 1000 बनाओ या 150 का 1000 बनाओ, सब एक ही बात है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर 100 रुपए की चीज 150 में खरीदने लगे. आप वही चीज में पैसा बना पाएंगे जहां पे 100 की जर्नी 1000 की है. सो वैल्यू ग्रोथ ये एक मार्केटिंग टर्म से उनके पीछे जो साइंस है वो सेम है. अच्छी कंपनी में निवेश करिए, अच्छे मैनेजमेंट्स के साथ निवेश करिए और ऐसे दाम पे निवेश करिए जहां पे आपको कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिले, जबकि आपकी डिस्काउंटिंग में आपके कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो तो आपको ज्यादा चोट ना पहुंचे, आपको ज्यादा नुकसान ना पहुंचे. सो इन्वेस्टिंग के मूल नियम बहुत ही सिंपल है. अच्छी कंपनी में निवेश करिए, अच्छे दाम पे निवेश करिए और अच्छे प्रमोटर के साथ, अच्छे मैनेजमेंट के साथ निवेश करिए. बाकी आगे की मार्केटिंग टर्म्स चाहे वैल्यू हो, ग्रोथ हो, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. नीलेश भाई, हमने ये भी देखा है कि 2021 में एक्टिव फंड्स, पैसिव फंड्स, ETF, इंडेक्स, ये बहुत सारे नाम चर्चा में रहे एंड सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी रही है. सो अगेन यू नो स्प्लिटिंग इन सेम थिंग इन टू क्वेश्चंस, डू यू रियली थिंक दैट एक्टिव फंड्स विल कंटिन्यू टू आउटपरफॉर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इंडेक्स फंड जो मार्केट में आज के समय में काफी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, बहुत लोग उसके ऊपर मतलब पैसा भी लगा रहे हैं इंडेक्स फंड के ऊपर. एंड अब सबसे बड़ी बात हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऑटो ETF, सिल्वर ETF, ये बहुत सारी चीजें आ रही हैं. सो इन सब में व्हाट्स योर व्यू ऑन इट? सो सौरभ भाई, आजकल है ना एक फैशन बन गया है कि लोग एक्टिव इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे हैं, ETF में निवेश कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. अगर आप देखें एंड मैं अपने मेमोरी से ये नंबर्स बोल रहा हूँ, टोटल जो मार्केट है एक्टिव इंडेक्स फंड ETF का, फंड ऑफ फंड का, वो कुछ 3.5 लाख करोड़ के आसपास है. उसमें से 2.5 लाख करोड़ खाली EPFO ने डाला है. अब EPFO सिर्फ ETF में निवेश करता है निफ्टी और सेंसेक्स के, वो एक्टिव फंड में कभी निवेश नहीं करता. उस वजह से ये 3.5 लाख करोड़ में 2.5 लाख करोड़ तो उनका है. फिर 40 से 50 हजार करोड़ ऐसे लोगों का है जिन्होंने लाइक ये भारत बॉन्ड था, CPSE 22 था, या भारत बॉन्ड ETF है, वो टाइप के है जिसमें सरकार ने इंसेंटिव दिए थे लोगों को खरीदने के लिए. और 15-20 हजार करोड़ आपका इंश्योरेंस कंपनीज का है कि वो बैंकिंग एंड आईटी क्षेत्र के ETF में निवेश करते हैं तो उन्हें अपनी एक लिमिट से ज्यादा मिल जाता है. सो इफेक्टिवली 3.5 लाख करोड़ में से आप ये कमिटेड डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट निकाल दो तो कुल मिला के 3,10,000 3,20,000 करोड़ निकल जाता है. सो जो आपके रिटेल इन्वेस्टर का निवेश है ETF में, इंडेक्स फंड में, वो कुल मिला के 20-30 हजार करोड़ है. पिछले महीने दिसंबर में एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड्स दोनों को मिला के कुल मिला के 25,000 करोड़ आए थे. सो यहाँ पे 1-2 महीने में जितना पैसा आता है इतना यहाँ का एक्चुअल AUM है. बट लोगों ने हवा बना दी है कि अब तो एक्टिव फंड में लोग निवेश ही नहीं करते, इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं. ऐसा नहीं है. इंडेक्स फंड में निवेश करने के लिए EPFO जैसे इंश्योरेंस कंपनी जैसे निवेशक है, रिटेल इन्वेस्टर आज भी एक्टिव फंड में निवेश करता है. दूसरी चीज सौरभ भाई, बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा बट एक इंडेक्स फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को 0.5% से 1% से अंडर परफॉर्म करता है. अगर आप मीडियन परफॉर्मेंस निकाल दें इंडेक्स फंड की तो लार्ज कैप इंडेक्स फंड ने इंडेक्स को 0.5% से 1% से
और स्मॉल एंड मिड कैप ने 1-1.5% से अंडर परफॉर्म किया है, वह भी ऐसे समय में जब वहां पे एक्सपेंस रेशियो 10 बेसिस पॉइंट 15 बेसिस पॉइंट है। उसके सामने एक्टिव फंड मैनेजर्स में बहुत सारे लोगों ने मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। हमारे अगर बहुत सारे फंडों को देख ले तो ज्यादातर फंड मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं, और कुछ फंड में हम जहां मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारा खुद का एक कॉल है। मैं 2017 की बात करता हूं, एक आईटी कंपनी इंडेक्स में आ गई थी 1% वेट के ऊपर, 2017 के अंत तक वो 4% पे पहुंच गई। सो कितनी बड़ी होगी आप समझ सकते हैं, हमें वो बिजनेस जमा नहीं, उस वैल्यूएशन पे जमा नहीं, तो हमने निवेश नहीं किया। पूरे 2017 में मेरे मिड कैप फंड इंडेक्स को अंडर परफॉर्म करते थे, बिकॉज इंडेक्स का जो सबसे तेज घोड़ा था उसमें हमने निवेश नहीं किया। आज वही फंड इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज वो स्टॉक अपने हाई से 90% गिर गया। तो 2017 में भले हमने पेन लिया, 18, 19, 20, 21 में वो गेन सबको दिख रहा है। तो ये सारी चीजों को अगर आप जमा करके देखें तो आज भी निवेशक एक्टिव फंड मैनेजर्स के ऊपर विश्वास कर रहा है, और ज्यादातर एक्टिव फंड्स अपने इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सो नीरज भाई, एक और एक ऐसा सेक्टर है जो हमेशा एक 3-4 साल के गैप में लोगों के आंखों में आता है, फिर वो थोड़ा सा शांत हो जाता है। जब कोविड की शुरुआत हुई थी तब हमने देखा था कि चाइना बैन करो, चाइना के प्रोडक्ट्स बंद कर दो, स्वदेशी अपनाओ, एंड उस टाइम पे मेक इन इंडिया कैंपेन चला, एंड ऐसा माहौल बन गया था कि इंडिया विल डेफिनेटली पॉइज टू बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब, राइट। उसमें आई एम श्योर आज कुछ आने वाले इसी महीनों में कोटक मैन्युफैक्चरिंग फंड इज ऑल्सो लाइंड अप, राइट। सो उसमें बींग अब ये जो स्टोरी आई है मार्केट में, क्या इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा 2022-23-24 आने वाले समय में? विल इंडिया बी अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, या कि वो समय था जो आया और फिर चला गया, एंड इट्स विल बी लाइक एन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एक रैली आती है फिर आप 3-4 साल रुक जाते हो फिर एक रैली आती है। सो सौरभ भाई, 1980 में भारत और चाइना एक जैसे थे पर कैपिटा जीडीपी में। इनफैक्ट 1983 तक चाइना और भारत की पर कैपिटा जीडीपी मोटा मोटा सेम थी। आज चाइना हमसे 5 गुना बड़ा है। इन 3 दशक में चाइना हमें पीछे छोड़ गया। हम $2,000 पर कैपिटा जीडीपी है, चाइना $10,000 पर कैपिटा जीडीपी है। ऐसा क्यों हुआ? हम लोग इतने पीछे क्यों चले गए? ऐसा तो है नहीं कि चाइनीज के पास 10 हाथ और 10 पांव और 5 सर है इसलिए वो हमसे 5 गुना बड़ा है। हमारी तरह उनके पास भी 2 हाथ और 2 पांव ही है। चाइना मैन्युफैक्चरर टू द वर्ल्ड बन गया, सालाना $3 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट्स करने लगा। हम मैन्युफैक्चरर तो बन नहीं पाए, हम उनके जितना एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। हमारा एयरपोर्ट जुम्मा जुम्मा इस बार $400 बिलियन पे पहुंचेगा, जब चाइना $3 ट्रिलियन पे पहुंचा है, हमसे मोटा मोटा 8 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। अब सरकार ने ये चीजों को रिवर्स करने के लिए कोशिश की। चाइना में एक मर्सिडीज बेंज करके ऑटोमोटिव कंपनी थी, उन्होंने एक एडवर्टाइजिंग लॉन्च की जिसमें जो मॉडल थी उसकी भ्रमर कुछ स्लैंटेड थी। वहां के कंज्यूमर्स ने कहा कि ये तो आप हमें गलत तरीके से डिपिक्ट कर रहे हो। अब सौरभ भाई, आप और मुझे दोनों को पता है कि जो चाइनीज गर्ल है, विमेन है, उनकी भ्रमर कुछ हमारी तरह राउंड नहीं होती है, थोड़ी क्रॉस होती है। अब उसने तो जो मॉडल की थी उसी हिसाब से पोर्ट्रे किया, बट इनको बुरा लग गया। मर्सिडीज बेंस ने हाथ जोड़ के माफी मांग के अपनी एडवर्टाइजमेंट वापस ले ली। वहां पे एक झूठ है, एक बार मैसेज आ जाता है तो सबके सब फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ पे एक झूठ उतनी है नहीं। गांधी जी हमें स्वदेशी की मूवमेंट सिखा के गए, बी इंडियन बाई इंडियन।
गांधी जी गए, हमने उसके साथ इसको भुला दिया, हम बन गए बी इंडियन बाई चाइनीज, 10 रुपया सस्ता मिल जाए तो हमें चाइनीज प्रोडक्ट लेने में कोई शर्म नहीं आती। आज हमारी ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ तकरीबन 60-70 बिलियन डॉलर के आसपास है। नाउ ये सारी चीजों को हम रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। 2014 में भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर था मोबाइल फोन्स का। हम मोबाइल फोन्स 2015 में 8 बिलियन डॉलर के इंपोर्ट कर रहे थे। जब सौरभ भाई मैं और आप मोबाइल फोन खरीदते थे, हम साउथ कोरिया, वियतनाम, चाइना में जॉब्स खड़ी कर रहे थे। सरकार ने आके 2014 से फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया, उन्होंने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर लॉन्च किए, 100% FDI लॉन्च किया, एक रेड कारपेट बिछाया ताकि मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स भारत में आके अपने प्लांट लगाए। 2014 में हमारे जो मोबाइल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू थी वो तकरीबन 25,000 करोड़ के आसपास थी, 2021 में वो 2,20,000 करोड़ हो गए। आज हमने मोबाइल फोन में एक्सपोर्ट करना चालू किया, 2021 में हमारे मोबाइल फोन के एक्सपोर्ट 4 बिलियन डॉलर थे। इम्पोर्ट अभी भी करते हैं बट एक्सपोर्ट अब इम्पोर्ट से ज्यादा हो गए। आज मैं और आप जब मोबाइल फोन खरीदते हैं तो ज्यादातर उसकी जॉब्स इंडिया में खड़ी होती है। अब जो हमने मोबाइल फोन पे किया वही चीज अगर हम बाकी सारे सेक्टर में कर दे, हम बी इंडियन बाई इंडियन होने लगे, हमारी सरकार चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, वो एक रेड कारपेट बिछा के एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करे, उनके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करे, तो मेक इन इंडिया जरूर सक्सेसफुल होगा। इनफैक्ट कई बार मैं लोगों से सुनता हूँ कि यू नो मेक इन इंडिया गलत चीज है, मेक इन इंडिया बंद कर देनी चाहिए। आज भी यू नो एक विदेशी बंदे ने कहा है कि भारत का मेक इन इंडिया गलत है, तो भैया हमें बताओ कि सही क्या है। आज मेक इन इंडिया करके हम मोबाइल फोन्स में 8 बिलियन इंपोर्ट से 4 बिलियन एक्सपोर्ट पे पहुंचे, 25,000 करोड़ से 2,20,000 करोड़ पे पहुंचे, एंड ये मेक इन इंडिया करके हुआ। जब मेक इन इंडिया नहीं था तो हम चाइना में जॉब क्रिएट करते थे, मेक इन इंडिया बना तो मैं नोएडा में जॉब क्रिएट कर रहा हूँ। अब इसमें गलत क्या है मुझे बता, तो वो ये कोई नहीं बताता। दूसरी चीज मैं बोलता हूँ सौरभ भाई, रूम एयर कंडीशनर्स को देखिए। There was a time few years back when 75% of room air conditioners components and ACs were bought from China. सिर्फ 25% भारत में बनता था। अब हमने वहां पे वही फेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर, ये सब लॉन्च किया। टुडे हमारी एसी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कुछ 25-30 लाख से 40-45 लाख पहुंची और वो 1.5 करोड़ तक पहुंच जाएगी, ऐसे प्लांट्स है। हमारी इंपोर्ट में कटौती हुई है बाय ऑलमोस्ट हाफ, 4,100 करोड़ के या 4,500 करोड़ की इंपोर्ट करते थे, अभी कुछ 1,800 करोड़ पे आ गए हैं। और जो लोकलाइजेशन है वो 60-80% होने लगा। नाउ ये मेक इन इंडिया का फल है कि आप एयर कंडीशनर्स में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं मेक इन इंडिया बंद कर दो। लोग ऐसा क्यों कहते हैं? जो भारत में रहता है वो शायद ही ये बोलेगा, बट जो विदेश में रहता है वो बोलता है मेक इन इंडिया बंद करो, बिकॉज उनको तो पैसे अपने देश के लिए मिलते हैं, भारत के लिए थोड़ी मिलते हैं। तो मुझे तो लगता है कि हमें किसी भी तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट करना चाहिए। आज भी एग्रीकल्चर में 10 से 20 करोड़ भारतीय ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर में काम नहीं करेंगे तो एग्रीकल्चर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वहां पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में है। उन 10-20 करोड़ भारतीयों को हमें एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में लाके रखना है, और उसके लिए मेक इन इंडिया सक्सेसफुल है। बट मेक इन इंडिया सक्सेसफुल करने के लिए आपको, मुझे, सरकार को, सबको साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। जब हम एजुकेशन करते हैं और कोई कंपनी अपना माल डिलीवर नहीं कर पाती तो उसके हाथ से एक्सपोर्ट ऑर्डर निकल जाता है, उसकी ब्रांड, उसकी इमेज के ऊपर खराब चिन्ह पैदा होता है। जब हम बंद ऐलान करते हैं
तो इंडस्ट्रियल आउटपुट खत्म होता है, उसके कमिटमेंट्स वो डिलीवर नहीं कर पाता, ब्रांड खत्म होती है। तो हमें सबको साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा तो मेक इन इंडिया सक्सेसफुल होगा और तब भारत आगे बढ़ेगा। सो मतलब नीरज भाई, ऐसी पूरी उम्मीद है, सोच है कि ये एक मेक इन इंडिया कंसेप्ट आने वाले समय में एक अच्छा बेट हो सकता है टू टेक अ कॉल। एंड जिस तरीके से इंडिया एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है, लेट इट बी जैसे आपने बताया पीएलआई स्कीम्स है, राइट, एंड ऑल द न्यू थॉट्स एंड वैरायटीज ऑफ यू नो क्रिएटिंग जॉब्स इन इंडिया एंड फॉर एंटायर थिंग। सो आई डेफिनेटली बट टोटली अग्री विद दैट। आगे कुछ हमने ये भी देखा है कि लास्ट एक साल में यू नो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी एक यू नो पोर्टफोलियो के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। यू नो वी हैव सीन अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स पुटिंग मनी इन यूएस, चाइना, जापान, राइट। इट मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव रिटर्न्स। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि पोर्टफोलियो के अंदर हमने एक 10% 15% हमने वेटेज भी ले लिया इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन फॉरेन, राइट। अब ये दोनों चीज को इन्वेस्टर को किस तरीके से देखना चाहिए? सो गोरे लोग यहाँ पे इसलिए निवेश करते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि अपने देश के सामने भारत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। और पिछले 10 सालों में अगर आप देखें तो अमेरिकन मार्केट को छोड़ के हमने बाकी सारी मार्केट को मोटा मोटा आउट परफॉर्म किया है। 20 साल में देखें तो हमने अमेरिका को भी आउट परफॉर्म किया है। तो वो लोगों ने तो सही कॉल लिया, भारत में हमने उल्टा कॉल ले लिया है। हम मानते हैं कि भारत में निवेश करके कोई मतलब नहीं है, तो हम बेचते गए, गोरा लेते गए। 1992-93 में गोरे की इन्वेस्टमेंट इंडिया में जीरो थी, आज वो 20-21% के आसपास पहुंच गई है। भारतीय रिटेल इन्वेस्टर्स की उस हिसाब से कम हुई है। सो एक भारत के लोगों को भारत में ही निवेश करने की आवश्यकता है। बट भारत इतना बड़ा देश है कि ये सारे लोगों के लिए सेम नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत में अच्छा खासा निवेश कर चुके हैं, अब उनके लिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। आप यहाँ पे वीजा मास्टर कार्ड यूज करते हैं, आप उसके कंज्यूमर हैं, तो उसके ओनर तो उसके शेयर खरीद के ही बन सकते हैं। आप यहाँ पे नेटफ्लिक्स देखते हैं, बट आप नेटफ्लिक्स के ओनर तो उसके शेयर खरीद के ही बन सकते हैं। तो हर किसी फैमिली में आदमी ने जो इंडिया में निवेश कर चुका है उसे डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर निवेश करना जरूरी है। एक आप वीजा मास्टर कार्ड नेटफ्लिक्स अमेजोन जैसे बिजनेस जिसके आप यहाँ पे कंज्यूमर है ओनर बन सकते हैं। दूसरा आपको इंडिया से डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। कल को उठ के इंडो चाइना बॉर्डर पे कुछ होता है तो हमारी मार्केट पे उसकी इम्पैक्ट होगी, बट अमेरिकन मार्केट या यूरोपियन मार्केट या अफ्रीकन मार्केट के ऊपर उसकी कोई इम्पैक्ट नहीं होगी। तो अपनी कंट्री से डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी ये फायदेमंद रहेगा। So Nirish bhai, we have only two questions left before we wind up. There's one question from Shirish Vora asking any views on Kotak Focus Fund and is there any new addition of stocks in the portfolio? So Kotak Focus Fund हमारा again large cap focused fund है and जब मिड कैप अच्छा करते हैं तो मिड कैप फोकस फंड अच्छा करते हैं और हमारा फोकस फंड उतना अच्छा नहीं करता। जब लार्ज कैप अच्छा करते हैं तो हमारा फोकस फंड अच्छा करता है और बाकी लोग उतना अच्छा नहीं करते। हमने फोकस फंड को लार्ज कैप फोकस्ड क्यों रखा, उसके पीछे एक ही सिंपल रीजन है। मिड कैप में कई बार आप कंपनीज को उड़ती हुई देखते हैं। मनपसंद बेवरेज करके एक कंपनी थी, बहुत चल रही थी, फिर सडनली उसमें कुछ डिस्कवरी हुई तो वो स्टॉक गिर गया। वैसे एक आईटी कंपनी की मैंने बात की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट 2017 में वो बहुत चला था बट फिर गिर गया। लार्ज कैप कंपनीज में ऐसा कम होता है।
कभी कभी सत्यम जैसा किस्सा हो जाता है बट वो बहुत ही कम है। तो हमने एक सेफ खेलने के हिसाब से हमारे कोटक फोकस्ड फंड को लार्ज कैप फोकस रखा है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट इज डन वेल। उसमें टीसी स्टॉक ले सकते हैं, तो जब हमें लगता है कि कोई स्टॉक अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं चल रहा, हमारी अंदाज से नहीं चल रहा, तो उसको बेच के कोई दूसरे स्टॉक को ले लेते हैं, बट ओवरऑल पोर्टफोलियो हमेशा टी स्टॉक का रहेगा। ओके, सो नरेश भाई, बिफोर वाइंडिंग अप, वन लास्ट क्वेश्चन एंड वन लास्ट मैसेज आपकी तरफ से, व्हाट शुड बी द मैसेज टू ऑल आवर एसआईपी इन्वेस्टर्स जिनका आज के समय में डेफिनेटली रिटर्न शायद 15-18-20% रहेगा, बट आने वाले समय में लेट्स से अगर कोई एसआईपी स्टार्ट कर रहा है या जो एग्जिस्टिंग एसआईपीस चल रही है, उनको हमारी तरफ से क्या सलाह देनी चाहिए? सो पहले तो मैं उन लोगों को धन्यवाद कहना चाहूंगा जिन्होंने मार्च 2020 में अग्नि परीक्षा पसार की। रामायण में जैसे हमने सीता मैया की अग्नि परीक्षा की बात सोची है, वैसे ही मार्च 2020 में हमारे निवेशकों ने, एसआईपी के निवेशकों ने अग्नि परीक्षा दी है। मुझे याद है जनवरी 2020 में मेरे इक्विटी फंड्स का एसआईपी रिटर्न 12-15-16-18% था। मार्च 2020 में वही रिटर्न 3 साल के लिए नेगेटिव हो गया था, 5 साल के लिए रिटर्न सिंगल डिजिट, लो सिंगल डिजिट हो गया था, 2-4%, और 10 साल का रिटर्न आधा होके हाई सिंगल डिजिट था, 7-8-9%। मतलब आप इमेजिन करिए, मैं किसी से पैसे ले रहा हूँ 3 साल के लिए और वो अपने बुक्स खोलेगा तो उसे पता चलेगा कि नीलेश भाई ने 3 साल के बाद, रिटर्न तो दूर रहा, जो प्रिंसिपल दिया था उसमें भी कटौती कर दी है। किसी का भी विश्वास हिल जाएगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर से आप जैसे, उन्होंने भी जान लगा के कोशिश की, लोगों की हौसला अफजाई की, लोगों को दिलासा दिलाया कि नहीं ये दिन भी निकल जाएगा बट प्लीज रिमेन इन्वेस्टेड। एंड आज मुझे बहुत खुशी है, मतलब जब मैं देखता हूँ कि रिटर्न्स 20%, 18%, 22% 10 साल के लिए हो गए हैं, तो लोगों ने जो हम पे भरोसा रखा था वो सफल निकला, वो हमने वेस्ट नहीं किया, जायज नहीं किया, उसकी बहुत खुशी मिलती है। और उसमें जितना हमारा परिश्रम है उससे भी ज्यादा इन निवेशकों का धैर्य है, आपके जैसे पार्टनर का धैर्य है जिन्होंने मार्च 2020 की अग्नि परीक्षा पसार कर ली। सो मैं सभी एसआईपी निवेशकों से यही बात कहूंगा कि आज के रिटर्न देख के निवेश मत करिए। आज बहुत खुशी का समय है कि ऐसा रिटर्न मिल रहा है, बट हमेशा याद रखिए कि मार्च 2020 की तरह अग्नि परीक्षा 5-7 साल में एक बार देखनी पड़ती है। उस समय आप अपना धैर्य मत खोना, हम अपना परिश्रम नहीं छोड़ेंगे, आप अपना धैर्य मत छोड़ना और फिर वापस साइकिल में आपको ऐसे रिटर्न दिखेंगे। ठीक है, सो नीलेश भाई, वंस अगेन द एट द नटशेल द टेक अवेज फॉर टुडेज इंटरेक्शन इज यू हैव टू बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी मार्केट। इट्स अ लॉन्ग टर्म गेन्स एंड बाजार ने किसी भी लंबी अवधि के इन्वेस्टर को नाराज नहीं किया है। आपने सही बताया कि थोड़ा सा पेशेंस चेक किया, अग्नि परीक्षा हुई, बट जिन्होंने उस परीक्षा को पास करी है वो एट द एंड दे आर ऑल हैप्पी एंड दे हैव एंजॉयड द रिटर्न्स। सो विद दैट नीलेश भाई, थैंक यू सो मच यू नो फॉर स्पेंडिंग अ टाइम विद अस एंड शेयरिंग योर थॉट्स। एंड फ्रॉम निर्मल बैंक फैमिली वंस अगेन यू नो वी आर वेरी थैंकफुल दैट यू हैव स्पेंड टाइम विद अस एंड वी लुक फॉरवर्ड कि आपसे यू नो एटलीस्ट साल में 2 या 3 हमें बात करने का मौका मिले। And as you guided that manufacturing again will become a center of attraction, so we'll ensure that you know in the upcoming manufacturing fund also we'll try to create some buzz. As Nilesh bhai clearly mentioned that the new strategies from the government, from the central government, PLI schemes and all that will make really sense in this particular sector. So looking forward, you know, for all the support from everyone, and thank you once again, Nilesh bhai, for this wonderful session. Thank you. Subscribe to our YouTube channel for in-depth interviews of India Inc. and press the bell icon so that you do not miss our update.